हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों, यहाँ के बूस्टर डोज में मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ, और दोस्तों उस टॉपिक को आप लोग देखिएगा जरूर। एक दो नंबर हर एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्ट पूछे जाते हैं, और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है, संस्था और संस्था का नाम कब हुआ था ये सारी चीज़ें पूछ लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे इस तरह से जो भी रिलेटेड टॉपिक होंगे उन सभी को कवर किया जाएगा, और बहुत ही कम समय में आपको एक से दो नंबर आसानी से आपके दिमाग में घुस जाएंगे, जो भी एग्जाम में आएंगे आपको कवर कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों टॉपिक है विदेशों में भारतीय क्रांतिकारी संगठन। यानी कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तो उस टाइम कुछ क्रांतिकारी थे जो भारत को छोड़ के जहाँ वे रहते थे, यानी कि जैसे लंदन हुआ, अमेरिका हुआ, टोक्यो हुआ, वहाँ पे भी क्रांतिकारी संगठन चलाते थे। तो उससे रिलेटेड आपको एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछ लेता है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपको। चलिए बताते हैं अभिनव भारत के बारे में। ठीक है, पूछेगा कि अभिनव भारत का स्थापना किसने किया था या फिर किसके द्वारा किया गया था। आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, और ये भी पूछ सकता है कि कहाँ पर किया गया था। जैसे पीसीएस के एग्जाम देंगे तो वहाँ पे मिलान करने के लिए दे देता है, ठीक है, वो शहर दे देता है या फिर देश दे देता है, या फिर जिसने इसके जो इसके संस्थापक हैं उनके नाम दे देता है। ठीक है, तो पहला जो है वो है अभिनव भारत का जो है स्थापना किसने किया था या फिर कहाँ पे किया था। तो पहली चीज़, इसकी स्थापना जो है वीडी सावरकर ने किया था। ठीक है, इस चीज़ को देख लीजिएगा। अभिनव भारत बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है कि किसने किया था, तो वीडी सावरकर ने किया था। कब किया था, तो 1904 में किया था। 1905 जैसा कि स्वदेशी आंदोलन है, 1904 एक साल पहले आप याद कर सकते हैं। और कहाँ पे किया था, तो लंदन में किया था। ठीक है, अगला है इंडिया हाउस। इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था, तो इंडिया हाउस की स्थापना जो है श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने किया था। कहाँ पे किया था, तो लंदन में किया था, और जस्ट इसके एक साल पहले। यानी कि अभिनव भारत याद कर लिए हैं 1904, तो इंडिया हाउस याद कर लीजिए 1905 में इन्होंने किया था। ठीक है, इस तरह से आपके दो क्वेश्चन तैयार हो गए। आपसे सीधे सीधे मिलान वाला जब पूछेगा तो अभिनव भारत, इंडिया हाउस, इस तरह से कई जो रहेंगे टॉपिक वो पूछेगा, और इसके जो संस्थापक हैं उनके बारे में पूछ लेगा कि मिलान कीजिए। अगला है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किया था। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किया था, तो सबसे पहली चीज़ कि इसकी स्थापना जो है वो 1907 में हुआ था, और कहाँ पे, अमेरिका में, और किसके द्वारा, तो वो थे तारकनाथ दास के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, तारकनाथ दास जो है इसके संस्थापक हैं। हालांकि कुछ और भी इन लोग के साथ सदस्य होते हैं, लेकिन जो हेड होता है उन्हीं को एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। अब इसी के नाम में थोड़ा सा और चेंज रहेगा, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एंड गवर्नमेंट, यहाँ पे एंड गवर्नमेंट रहेगा। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एंड गवर्नमेंट, इसकी स्थापना किसने किया था, तो ये थे राजा महेंद्र प्रताप। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में, ठीक है, काबुल में, काबुल कहाँ है, तो अफगानिस्तान की राजधानी जो है वो काबुल है। और कब हुआ था, तो 1915 में हुआ था। ठीक है, 1915 याद कीजिएगा। यहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है तारकनाथ दास वाला जो है अमेरिका में जो किए थे 1907 में किए हैं, और 7 × 2 = 14, यानी एक साल और बढ़ा दीजिए 15, 1915 में काबुल में राजा महेंद्र प्रताप द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एंड गवर्नमेंट की स्थापना किए थे। ठीक है, ये इतने चार क्वेश्चन आपके तैयार हुए। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। अब आप कंफ्यूज होंगे कि इसके पहले भी तो आपने बताया है 1907 वाला, तो यहाँ पे क्या है, तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी है जो 1942 में स्थापना किया गया था। किसके द्वारा, तो रास बिहारी बोस के द्वारा टोक्यो में। तो आप कहेंगे कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देश देखिए जो है टोक्यो है, यानी कि जापान की जो राजधानी है वहाँ पे टोक्यो में जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किए थे वो रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि वहीं पे 1942 में ही आजाद हिंद फौज, यानी कि आप जानते होंगे आजाद हिंद फौज, सिंगापुर में भी इसकी स्थापना रास बिहारी बोस द्वारा किया गया था। ठीक है, तो अभी कंफ्यूजन आप लोग का क्लियर हो गया होगा कि
जो 1942 वाला होगा वो रास बिहारी बोस, और जो 1907 वाला होगा तो वो तारकनाथ दास द्वारा होगा, जो अमेरिका में किए थे। ठीक है, तो दोस्तों ये एग्जाम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप मतलब 6 मिनट में कभी भी टहलते फिरते देखेंगे तो याद कर लेंगे, ये हाइलाइटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और इसी को कवर किया गया है। मिलते हैं इसी तरह किसी अन्य बूस्टर डोज में, तब तक अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें, और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।